नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी के ग्राम गोकुलपुरा का है। यहां पर पिछली 24 तारीख को भुल्लन और अभिषेक सहित 6 हत्या हुई थी, जिसमें अभिषेक यादव की हर वर्ष 12 जुलाई को जन्मदिन मनाया करते थे। क्रिकेट का बहुत शौकीन था। उन्हीं दोस्तों ने आज नमाखों से अपने दोस्त की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो जाने पर आज उसके 21वें जन्मदिन पर उसके साथी दोस्तों ने पॉलिटेक्निक विद्यालय किशनी में सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में सभी दोस्तों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सभी दोस्तों की नमाखें थी और अपने दोस्त अभिषेक यादव उर्फ भुल्लन को याद किया। इस मौके पर दलबीर कुमार, कम्बोध, पंकज आशु, गुलशन, विमलेश, रमन, विनय, विकास, रोहित, सुमित, हर्ष, कन्हैया, विकास, नितिन, कृष्णा, शरद आदि दोस्त मौजूद रहे। गोकुलपुर की जो घटना है वो तो आप सभी लोगों को पता चली गया, न्यूज के माध्यम से, किसी और विषय के माध्यम से ऐसा चला है। मेरा दोस्त काफ़ी अच्छे व्यवहार का था। 12 जुलाई को उसका बर्थडे हम लोग सभी लोग मिलकर के मनाते थे, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हुई, ऐसा दुख का पहाड़ परिवार के ऊपर टूटा, दोस्तों के ऊपर टूटा, जिससे हमारा दोस्त दुनिया में नहीं रहा। बहुत ही दुख है हमें, और उसी दुख को जाहिर करने के लिए, वो हर्षोल्लास दोबारा बनाने के लिए हम आज भुल्लन के बर्थडे को श्रद्धांजलि के रूप में मना रहे हैं। जो आज तक हम जयंती मनाते थे, जो लोग हम आज जयंती मनाते थे, भाई आज जयंती मना रहे हैं। जिसका हम आज दिन तक हम लोगों ने बर्थडे मनाया है, उसी की आज जयंती मना रहे हैं। पूरा हम लोगों में दुख भरा हुआ है। भाई आज हमारी दुनिया छोड़ के चला गया है, क्या कह सकते। भाई ने हमारी क्रिकेट की टीम अधूरी छोड़ दी, जहाँ 11 प्लेयर खेला करते थे, आज हमारी सिर्फ। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।